मंदिर जहाँ आपको लेके आ रही थी, ये पंचवक्तर, इसको रुपए वाला मंदिर भी बोलते हैं। ढेर सारे कपड़े लेके जाते हैं, रखते शुक्र ट्राई करके बता। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हमारा कल सारा दिन सबसे मिलने मिलने में निकल गया। हमें बहुत मज़ा आ रहा था। सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि मुझे आपको यहाँ की गलियाँ दिखानी है और हम एक बहुत स्पेशल से टेम्पल जा रहे हैं, वो हमें आपको दिखाना है। ये है जम्मू का सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ जो गलियाँ गलियाँ हमें जाने के लिए मिलता है। यहाँ धूप का कुछ नहीं है और मज़े से आराम से निकल सकते हैं। मुझे जम्मू का लाइफ स्टाइल इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो वॉक करने का है ना सिस्टम, यहाँ पे कोई गाड़ियों वाड़ियों का ज़्यादा अच्छा कुछ प्रोविज़न है नहीं। मतलब है भी तो भी आप बहुत देर लगाती हो, इतनी देर में वॉक करके पहुँच जाओगे, तो इसीलिए हम यहाँ से गलियों गली वाला प्रेफर करते हैं। ना धूप ना कुछ, तो पुराने टाइम की याद, क्या मस्त है यार। ये हम कनक मंडी जम्मू, जो कि है ओल्ड जम्मू, है ना भैया? ये ओल्ड जम्मू मंदिर जहाँ आपको लेके आ रही थी, ये पंचवक्तर, इसको रुपए वाला मंदिर भी बोलते हैं। ये मंदिर ऑलमोस्ट 600 साल पुराना है। इस मंदिर में रास्ते में चलते हुए दोनों साइड पे शिवलिंग है, बहुत सारे शिवलिंग है। और जो रुपए वाला मंदिर जिस नाम से फेमस है, ये है रुपए जो लगाए हुए, मतलब कॉइन्स लगाए हुए हैं, तो इसका क्या रीजन है ये पंडित जी बताएंगे। कितना? अच्छा, आप बड़ा नहीं? हाँ हाँ, बड़ा प्राचीन मंदिर है। राजा मंदिर, ये यहाँ के राजा, जम्मू के राजा थे, उनका यहाँ पे कबीला होता था। अच्छा, इस मंदिर में यहाँ पर जो शिवलिंग है ना, वो कोई घोड़ों के लिए कोई बांधने के लिए वो कर रहे थे, खड्डा खोद रहे थे। अच्छा, तो वहाँ से कोई निकले हैं शिवलिंग, जैसे निकले तो खून सा निकला है। अच्छा, उसके लिए तुम देखा दे तो पता लगा यहाँ पर शिवलिंग पूर्ण स्थापना हो जाएगा। अच्छा, बड़ा प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा वगैरह सब यहाँ आके मत्था टेक के जा सके थे। जाना है कहीं भी जाना है तो पहले यहाँ पे मत्था टेकने आते थे। ये लोग बड़ी शक्ति है यहाँ पे, पंचमुख पंचवक्त, मतलब पांच मुख है इसके। अच्छा, शिवलिंग के लिए पांच मुख है, इसलिए इसको पंचवक्त बोलते हैं। मतलब तो यहाँ पर गौशाला भी है और यहाँ की माता रहेगी जो 40 दिन यहाँ पर आता है, उसकी सब मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, जो चलिया यहाँ पे लगाते हैं उसकी सारी कामना पूरी होती है। और पंडित जी, जो रुपए वो जो सिक्के लगे हुए हमने देखे, उसका क्या है? राजा ने लगाए हैं, जो यहाँ प्रताप सिंह ने लगाए हैं। अच्छा, वो जो है उस समय क्या था कि अंग्रेजों से बड़ा खपा रहता था, ये अंग्रेजों के सिक्के हैं, उनकी फोटो। अच्छा, तो उनको परेशान करने के लिए। अच्छा, वैसे उन्होंने नीचे लगाया ताकि हमारे पैरों में नीचे रहे। समाधियाँ हैं यहाँ पर, जितने भी महंत रहे उनको यहाँ पे समाधि रूप में देते हैं, मतलब उनका संस्कार नहीं करते हैं। हाँ, उनको ऐसे ही भी अस्तार कर देते हैं ना उनके नीचे। तो सारे तपस्वी हैं वो? हाँ, सारे जो यहाँ पर महंत जो गद्दी में रहे हैं। अच्छा, साधु संत रहे हैं, ये सब समाधियाँ हैं। तो बड़ी पावर एनर्जी फुल मंदिर है। कितना प्यारा लग रहा है सोनिया। मंदिर मत्था टेकने के बाद हम आ गए जम्मू की फेमस पूरी चने खाने के लिए। यहाँ पे बहुत फेमस है, जगह जगह पे पूरी चने मिलते हैं। और ये कोई स्पेशल दुकान थी जहाँ भैया मुझे फर्स्ट टाइम लेके आया था, मद्दी की पूड़ियाँ, जहाँ पे स्टफ्ड वाली पूड़ियाँ मिलती है, मतलब होती मैदे वाली हैं और इन्हें पूड़ियाँ बोलते हैं। इसके साथ में आते हैं चने और आलू की सब्जी। यहाँ पे आलू की सब्जी थी, वरना जम्मू में चलता है ओरिया, जो कि बना होता है फर्मेंटेड आलू से और दही से और काफ़ी खट्टा होता है। पेट पूजा कर ली, इसके बाद हमें रास्ते चलते हुए मिला ये हमारा ग्रीन नेक्टर, जिसको बोलते हैं गन्ने का रस। यहाँ पे बहुत साफ सुथरा, बड़ा अच्छा सा निकाल रहे थे और मधुमक्खियाँ यहाँ पे घूम रही थी, देखते एकदम पीने का मन कर गया। तो हम यहाँ पे रुके और हमने लिया अपने लिए फ्रेश ग्लास। देखो कितना अच्छे से बनता है। ये रुद्राक्ष का छोटा भाई रुद्राक्ष से मिलने आया है कि छोटी बहन मिलने आई है। रुद्राक्ष को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है अपनी दादी पे, क्योंकि दादी इसकी बात मानती है। ये प्यार है साबुदाना खिचड़ी का। दादी को साबुदाना की खिचड़ी
moments later. देखो यहाँ तेज बारिश हो रही है लेकिन हम बारिश पे भी रुके नहीं है। ये लेके हम पहुंच गए हैं शुगु दीदी की शॉपिंग करने। इस लड़की ने एंटर करते ही पहले 15 मिनट वेस्ट किए सिर्फ देखने के लिए कि क्या ट्राई करूं। चलिए ट्राई करने के लिए इसको ना इतने सारे ट्राई करा करा के दुखी कराते हैं ना जब तक इरिटेट नहीं हो जाए। ढेर सारे कपड़े लेके जाते हैं यार रखते शुगु ट्राई करके बता कैसा लग रहा है। ये सब प्लाजो प्लाजो भी ले सकते थे जो मन कर रहे उठा जो मन कर रहे उठा यार ये तो इजी टू ट्राई है। ये थोड़ी ऐसी जो जिसको बार बार चेंज करना पड़े उसे ट्राई करने में दुखी हो जाए। लूज है ना। अरे सबकी फिटिंग अलग आएगी। अरे बहुत ही बुरा है यार ये क्या बोल रही है जान के लिए क्या चल रही है इसके लिए। यार ये लड़की बहुत खराब है इसके साथ शॉपिंग करना बहुत खतरनाक है। अपनी मम्मी के लिए भी ऐसे गंदे गंदे कपड़े पसंद करती है। अरे नहीं वो जो अभी दो दिए ना वैसे वाले वो ले जरूर पहनना। हाँ शुगु दीदी शुगु दीदी आई योर पीयू शो में ना पीयू यही पहन प्लीज 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 लटको ओके हम और लेके आ रहे हैं। हाँ जो तेरे को पसंद आ रहा है वो इधर दे दे। फिटिंग भी अच्छी आई है ना देती जा। देख हैंगर में लगा लगा के वापस दे रही है। इधर आके फिर देखना हम लोग जो हाइट देख देख जो ढंग से पसंद करके लेके आओ ना इंसानियत की ऐसे कदर नहीं है। जो अच्छे से चूज करके लेके आए ना वो नहीं पसंद आ रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद हम तीन ही आउटफिट फाइनलाइज कर पाए जो कि ये तीन है बस इसके बाद हमारी बस हो गई थी। इतनी मेहनत की तो भूख लगना तो बनता है। तो हम यहाँ आए सुंदर से कैफे में जहाँ पे हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिला क्योंकि इनके पास लाइट नहीं थी। तो हमने डिसाइड किया हम यहाँ पे फिर कभी आएंगे इससे पहले हम दूसरी जगह पे चलते हैं। हम लोगों ने झटपट से ऑर्डर किया मसाला डोसा खाया और फटाफट यहाँ से चलते बने क्योंकि रात बहुत हो गई थी। यहाँ पे आजकल नए ई रिक्शा चलने शुरू हुए हैं तो हमने यही प्रेफर किया ताकि हम घर जल्दी पहुँच सकें। इसी के साथ हमारा दिन रहा बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव। बहुत सारे काम कर लिए बहुत सारी मस्ती कर ली और अब हम आपसे मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।